हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में तीन गंभीर घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। पांच घंटा वाटे आज हमें देखो आ रहा है। किससे झगड़ा हुआ है? राम किशोरी। राम किशोरी। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? सर, हम खेत पे थे जी। हमारे वहाँ एक भाई का छोटा, उसने कहा कि राम गाड़ी मत लगा। खेत में जाते समय लड़ाई शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों ही पक्षों में मारपीट की घटनाएं शुरू हुई, लेकिन एक पक्ष के द्वारा उसमें डंडों का अपना प्रयोग किया गया है, अन्य चीजों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोग ज्यादा घायल हो गए और उनको तत्काल यहां से रेफर कर दिया गया, जिसमें वो झांसी चले गए। झांसी में जाने के पश्चात उरई में ही एक व्यक्ति जो अर्जुन नाम का व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी झांसी में एडमिट है, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। इस संदर्भ में कल हमें तहरीर प्राप्त हुई है और तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 660/21 थाना राठ में उसको पंजीकृत कर लिया गया है, जो बलवे और हत्या के साथ साथ हत्या के प्रयास की दर्शनीय धाराएं उसमें लगी हुई हैं। 7 अभियुक्त इसमें नामित हैं। हमारी कोशिश है, टीमें इसके लिए गठित की गई हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भी उसमें सही अभियुक्त हैं उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की।